यादव सेवा समिति के नए अध्यक्ष विजेंद्र कुमार सुधाकर की अध्यक्षता में समिति की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में संरक्षक आलोक कुमार गनौरी यादव, कोषाध्यक्ष श्री चंद यादव, पूर्व प्रधानाध्यापक राजनाथ प्रसाद, शिक्षक राजेश कुमार, शशि कुमार, प्रमोद कुमार, श्रीकांत निराला, विनोद कुमार, राकेश कुमार, सुबोध कुमार, नागेंद्र कुमार, दिनेश कुमार सहित अन्य गण्यमान उपस्थित हुए। इस अवसर पर सबसे पहले सर्वसम्मति से अध्यक्ष बने विजेंद्र कुमार सुधाकर को यादव सेवा समिति के लोगों ने बधाई दी। तत्पश्चात कई बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें मुख्य रूप से छात्रावास निर्माण पर बल दिया गया। इस अवसर पर यादव सेवा समिति के अध्यक्ष विजेंद्र कुमार सुधाकर ने कहा कि यादव सेवा समिति से मैं शुरू से जुड़ा रहा हूं और जो भी मुझे जिम्मेवारी मिली है मैंने हमेशा निर्वहन किया है, और अब एक बड़ी जिम्मेवारी अध्यक्ष के रूप में मुझे मिली है जिसे मैं पूरे तन मन से निर्वहन करूंगा। खासकर छात्रावास निर्माण के लिए हम सब मिलकर पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द छात्रावास का निर्माण हो, साथ ही साथ अन्य सभी समिति के कार्यों का पूरे निष्ठा भाव से संचालन किया जाएगा। वहीं इस अवसर पर संरक्षक आलोक कुमार ने अध्यक्ष विजेंद्र कुमार सुधाकर पर विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि निश्चित तौर पर सुधाकर जी के अध्यक्ष होने से यादव सेवा समिति को और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इससे हम सभी समिति के लोग काफी आशान्वित और विश्वास से भरे हुए हैं। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। देखिए, जो जिम्मेवारी मिली है वो बहुत ही अहम है और इस जिम्मेवारी को मैं निभाने के लिए मैंने वचन दिया हूँ, और जब तक मेरा मैंने सांस रहेगा तब तक मैं इस सेवा समिति को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। और इसको मेरा जो मुख्य उद्देश्य है सेवा समिति का, जो छात्रावास निर्माण करना, उसको भी हम लोग बनाने के लिए आगे कदम बढ़ा रहे हैं। उच्च जमीन लिखा गया है और अगला कदम जो है से हम लोग को बिल्डिंग बनाने का काम शुरू होगा। उस समय भी आप लोगों को बुलाएंगे और मैं आशा नहीं उम्मीद करता हूँ कि जो है दिन रात प्रगति में काम करता रहेगा। अन्य लोगों को आप क्या कहेंगे इस संस्था से जुड़े हुए लोगों? उन्हें सबसे पहले तो मैं उन लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास किए हैं और माने इसमें जो सहयोग दे रहे हैं उसके लिए भी उन लोगों को बधाई है। और खास करके मैं उन लोगों को जरूर कहूंगा कि और आगे बढ़ करके हमको सहयोग करने का काम करें, ताकि मैं आगे आपके साथ चलूं और आप पीछे पीछे मेरा मन साथ दें। तो आप तो पहले से ही इसमें जुड़े हुए हैं? हाँ, मैं काफी दिनों से शुरू से ही जुड़ा हुआ हूँ। मैंने जब से इसका फॉर्मेशन हुआ है, जब से इसका निर्माण हुआ है, तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और पहले मैं उपाध्यक्ष के पद पर काम कर रहा था, उस समय भी मैं काफी जिम्मेवारी पूर्वक अपना काम करते रहा हूँ, और आज मुझे अध्यक्ष का पद मिला है तो थोड़ा सा मेरा और अति बढ़ गया है, मेरा काम बढ़ गया है, इसलिए मैं उसको भी काफी निर्वहन करूंगा। और मेरी जो अपनी कर्तव्य निष्ठा है, मेरी जो अपना काम करने की क्षमता है, उसको पूरा करके मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले सुधाकर सर को तो बधाई देना चाहेंगे, यादव सेवा समिति के नए नए अध्यक्ष बने हैं और हमारा इनका पूरा सहयोग रहेगा, और हम उम्मीद करते हैं कि जो उनको दायित्व दिया गया है उस दायित्व का निर्वहन अच्छी तरह से करेंगे, और इन्हीं के कार्यकाल में हमारा जो छात्रावास है वो बनकर तैयार हो जाएगा। क्या क्या करना बाकी रह गया है यादव सेवा समिति की ओर से? देखिए, यादव सेवा समिति की तरफ से करने के लिए तो हमारे पास बहुत है, लेकिन अभी हमारा एक ही फोकस है और वो है यादव छात्रावास का निर्माण करना। और यादव छात्रावास के निर्माण के पैरेलल एक्टिविटी चलता रहेगा, जो एजुकेशन के लिए और सांस्कृतिक प्रोग्राम साथ साथ सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए जो प्रोग्राम है, पैरेलल प्रोग्राम चलता रहेगा। लेकिन हमारा जो मेन प्रोग्राम है, इसको समझ सकते हैं कि एक सूत्री कार्यक्रम है, वो यादव छात्रावास का निर्माण करना।